वेलकम फ्रेंड्स, अपने पहले वाले ट्यूटोरियल्स में मैंने आपको एक्सेप्शंस की ब्रीफ इंट्रोडक्शन दी थी। अपने आज के इस ट्यूटोरियल में हम एक्सेप्शंस को इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे। अपने इस ट्यूटोरियल में हम ये भी देखेंगे कि अगर हम खुद की एक्सेप्शन को क्रिएट करना चाहते हैं तो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक्सेप्शंस को क्रिएट करने के लिए क्या होता है, हमारे पास एक क्लास बनानी जरूरी होती है जो कि हमारी सिस्टम डॉट नेम स्पेस क्लास एक्सेप्शन से होके डिराइव क्लास पे जाती है। और जब भी हमें अपने कोड में एक्सेप्शन को क्रिएट करना होता है तो हम थ्रो कीवर्ड का यूज करते हैं। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने इसको समझने के लिए यहाँ पे इसकी ऑलरेडी कोडिंग करी हुई है। सबसे पहले हमारे पास क्या है, एक क्लास प्रोग्राम, उसके अंदर मैंने क्या है एक गेट नेम फंक्शन ले लिया, एक मेथड ले लिया। तो पहले मेरा स्टैटिक असेस स्पेसिफायर आया, देन स्ट्रिंग मेरी डेटा टाइप, देन गेट नेम मेरे फंक्शन का नेम। उसके अंदर मैंने एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल लिया एस इक्वल्स टू, देन कंसोल डॉट रीडलाइन मेथड का यूज किया स्ट्रिंग के लिए। फिर मैंने यहाँ पे कंडीशन अप्लाई की है, देन मैंने थ्रो कीवर्ड का यूज किया। थ्रो कीवर्ड का यूज हम तब करते हैं जब हमें अपनी एक्सेप्शन को क्रिएट करना होता है। देन न्यू नो जेम्स एक्सेप्शन। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि मान लीजिए यूजर कोई नेम एंटर कर रहा है और वो नेम है हमारा जेम्स, जेम्स टेक्स्ट है हमारा। जो अगर यूजर जेम्स एंटर करता है तो हमारे पास एक्सेप्शन रेज होगी। तो सबसे पहले मैंने मेन में क्या लिखा है, मैंने एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल लिया नेम, देन मैंने ट्राई ब्लॉक का यूज किया ट्राई कैच। तो ट्राई ब्लॉक का यूज हम तब करते हैं जब हमें ये देखना होता है कि हमारी एक्सेप्शन कहाँ पे रेज हुई है। ट्राई ब्लॉक के अंदर मैंने क्या किया, नेम इक्वल्स टू गेट नेम, कि जो मेरा गेट नेम मेथड था फंक्शन था उसको मैंने नेम के इक्वल असाइन कर दिया। देन मैंने राइट लाइन मेथड का यूज किया कंसोल डॉट राइट लाइन और मैंने इस चीज को प्रिंट करवा लिया हेलो, और जीरो प्लेस होल्डर में मेरा वो वाला वैल्यू आ जाए। देन मैंने फाइनली ब्लॉक का यूज किया। मैंने आपको पहले भी बताया था कि फाइनली ब्लॉक में क्या होता है कि अगर हमारी एक्सेप्शन रेज हुई है या नहीं हुई, ये वाला ब्लॉक हमारा हर बार एग्जीक्यूट होगा ही होगा। इसमें मैंने मैसेज प्रिंट करवा लिया हैव अ नाइस डे। देन लास्ट में मैंने रीडलाइन मेथड का यूज किया अपनी आउटपुट स्क्रीन को होल्ड रखने के लिए। तो चलिए सबसे पहले इसे रन करके देख लेते हैं डिबग पे जाके, स्टार्ट विदाउट डिबगिंग। अब आप मान लीजिए यूजर कोई भी नेम एंटर करता है तो हमारे पास आउटपुट कुछ इस तरह से आ चुकी है। सबसे पहले कंट्रोल हमारा यहाँ पे गया जो हमारा नेम था, यानी ये वाला नेम हमारा प्रिंट हो गया। उसके बाद हेलो वो नेम, लास्ट में हमारा फाइनली ब्लॉक यानी हैव अ नाइस डे ये वाली वैल्यू प्रिंट हो चुकी है। अब हमने यहाँ पे कहीं भी नहीं देखा कि अगर हम जेम्स को एंटर करेंगे कि तो क्या हमारी आउटपुट हमें डिस्प्ले होगी। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे देख लेते हैं इसको डिबग पे जाके, स्टार्ट विदाउट डिबगिंग। मान लीजिए मैंने यहाँ पे जेम्स ही एंटर कर देती हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक्सेप्शन आ चुकी है क्योंकि हमने यहाँ पे जेम्स नेम को एंटर किया है। हमने जेम्स को कैसे एंटर किया कि हमारे पास सबसे पहले हमने यहाँ पे कंडीशन अप्लाई की इफ एस डॉट इक्वल्स। इक्वल्स का यूज हम तब करते हैं जब हमने देखना होता है कि हमने जो पैरामीटर्स में नेम पास किया या जो भी टेक्स्ट कुछ भी कंडीशन अप्लाई की है कि अगर वो उसके इक्वल है देन वो हमें क्या रिटर्न करे। तो अगर हमने, आप देख सकते हैं हमने आउटपुट में अभी क्या टाइप किया था जेम्स, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारी जो एक्सेप्शन थी वो जनरेट हो चुकी थी। अब इसको हैंडल करने का वे देखते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, नो जेम्स एक्सेप्शन देन कॉलन एक्सेप्शन, क्योंकि हम यहाँ पे खुद की एक्सेप्शन को रेज कर रहे हैं तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारी एक्सेप्शन आ गई। देन पब्लिक नो जेम्स एक्सेप्शन का यूज किया, उसमें हमने क्या किया यहाँ पे हम बेस, मतलब कि बेस क्लास की हेल्प से बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को भी कॉल करवा रहे हैं और इसमें हमने मैसेज प्रिंट करवा दिया जेम्स इज नॉट अलाउड। और हम यहाँ पे क्या करेंगे, जहाँ पे हमारा ट्राई ब्लॉक है यहीं पे हम कैच ब्लॉक का भी यूज करेंगे जिससे हमारी एक्सेप्शन को हैंडल कर सके। तो हमने कैच ब्लॉक के अंदर क्या लिया, नो जेम्स एक्सेप्शन, उसका ऑब्जेक्ट लिया ई और देन हमने राइट लाइन मेथड की हेल्प से उस ऑब्जेक्ट के थ्रू मैसेज जो हमारा उसको प्रिंट आउट करवा लिया। अब हम इसे फिर से रन करके देखते हैं डिबग पे जाके, स्टार्ट विदाउट डिबगिंग। मान लीजिए मैंने जेम्स एंटर किया तो आप देख सकते हैं सबसे पहले हमारा वो नेम जो था जेम्स वो प्रिंट हो गया, देन उसके बाद हमारा जेम्स इज नॉट अलाउड क्योंकि हमारी ये वाली एक्सेप्शन रेज हो चुकी थी, तो वो हमें बता रहा है नॉट अलाउड। देन लास्ट में हमारा फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया। तो इस तरह से अपने आज के इस ट्यूटोरियल में हमने देखा कि किस तरह से हम एक्सेप्शंस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और हम खुद की भी एक्सेप्शंस को क्रिएट कर सकते हैं विद द यूज ऑफ थ्रो कीवर्ड। अपने आज के ट्यूटोरियल में इतना ही। थैंक यू।